हेलो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट 2 वीक से स्विंग ट्रेडिंग के कोई वीडियो नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा आउट ऑफ मुंबई गया था शिरडी दर्शन करने के लिए, तो उसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अभी कंटिन्यू करेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज़ को, और आज के जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के 3 बेहतरीन स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स में आप लोग के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करूँगा, और उन स्टॉक्स में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, हमारी क्या एंट्री प्राइस होगी, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, और हम मिनिमम 1 से 2 वीक के लिए होल्ड करेंगे, और 20% का रिटर्न हम यहाँ पे गेन करेंगे। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंट के साथ बने रहना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमारे शेयर जो होते हैं वो 1 वीक में नहीं चलते, और वो मार्केट के साथ, अभी आप जब देख रहे हैं मार्केट का यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा वो हमें अभी पता नहीं है मार्केट। तो जो सपोर्ट लेगा और यहाँ से मार्केट अच्छी मोमेंटम कर सकता है, बुलिश हो सकता है, तो ये स्टॉक्स भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 से 2 वीक में हमें 15 to 20% का रिटर्न हमें बना के दे सकते हैं। तो यही स्टॉक्स में आप लोग के साथ शेयर करता रहूँ। तो चलिए देखें, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के मकसद से बनाई गई, इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग करने की। ये स्टॉक सिर्फ हम लोग एजुकेशन पर्पस के मकसद से आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई टेक्निकल लेवल होता है, कोई चार्ट पैटर्न होता है, तो वो ब्रेकआउट होता है तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो आज ही कुछ ऐसा ही 3 स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिन स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आज का हमारा चार्ट ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक्स है। चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो भी आप ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन जो स्टॉक्स है वो है पहले सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, डे टाइम फ्रेम का, यहाँ पे डेली का, और यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख सकते हो वन डे का है। तो इसको थोड़ा सा मैं तो ये डेली का टाइम फ्रेम आप देख पा रहे होंगे, और अब हम इसका चार्ट देखें तो आपको थोड़ा सा इसमें जूम करता हूँ। तो ये चार्ट देखे, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, और इस स्टॉक्स में मैंने पहले भी एक हमारे चार्ट ऑफ द वीक में रह चुका है, इस लेवल के आसपास कहीं के मैंने 41 के आसपास बाइंग के ले दिया था। ये स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 60 के आसपास जाके आया। अब ये हमारे रडार में क्यों आया, क्योंकि इसमें एक पैटर्न बना है असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न, और एक अच्छा ब्रेकआउट आया, और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू अपने लोअर हाई बनाते बनाते स्टॉक्स अपने न्यू हाई की ओर बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक्स मेरे रडार में, और इस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसने वो ब्रेक किया, तो असेंडिंग ट्रायंगल का एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें हुआ है, और इसमें यहाँ पर इसके आज के जो डेट में शनिवार फ्राइडे सॉरी सैटरडे की कैंडल है वो आप देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो इसमें हम कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, जो सेंट्रल बैंक 57 जो करंट इसने हाई लगाया था 57 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है ट्यूजडे को, तो हम यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और हमारी एंट्री होगी यहाँ पे 57 के ऊपर। फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे सेंट्रल बैंक में 62 का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 66 का, और फाइनल जो थर्ड टारगेट है 70 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो विद इन 1 से 2 वीक के लिए। स्टॉप लॉस 49 का हम मेंटेन करेंगे, जो कि यहाँ पे कहीं के हमारा इस कैंडल के लो के नीचे आपको यहाँ पे रखना है। अगर आपको थोड़ा सा पेशेंट के साथ बने रह सकते हो तो ये स्विंग लो के नीचे आप रख सकते हो, जो कि इसके कैंडल के नीचे 49 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा जो स्टॉक्स है वो कौन सा है, वो है इंडिया बैंक। इसमें भी देखिए रेक्टेंगल पैटर्न बना है, और यहाँ पे कंटिन्यू अपने आप ट्रेंड में चल रहा है, और ये भी डेली टाइम फ्रेम का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अपने हायर हाई बना रहा है। लेकिन यहाँ पे कम से कम यहाँ पे सितंबर यानी 4 से 5 महीने से स्टॉक्स अपने रेंज के अंदर ट्रेड कर, यहाँ पे देखिए प्रीवियस 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, लेकिन अब जाके इसने एक अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है, और यह नेक्स्ट वीक में हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर भी आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, आपको 3 बार रेजिस्टेंस, लेकिन 4th बार यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है।
और ये कंटिन्यू ये मूविंग एवरेज को भी ये 200 का मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसको हम एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग कर सकते हैं। जो इसका डिफरेंस है ना, आपको यहाँ से ये रेंज है ना, ये रेंज ऊपर की तरफ आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो इसमें सेंट्रल बैंक सॉरी इंडिया बैंक लिमिटेड इंडियन बैंक में हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, जो कि हमारा बाइंग लेवल होगा 460 के ऊपर निकलेगा। करंट प्राइस जो है 449 प्लस, यानी कि 460 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे। इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। कभी भी हम 5 से 15 मिनट का अगर कैंडल एक वन कैंडल क्लोज होता है ना, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो 460 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट है 475, फाइनल सेकंड टारगेट रहेगा 490 का रहेगा, और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा 500 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 440 का, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको इस स्विंग लो के नीचे आपको कहीं ना कहीं लगाना होगा। अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी होता है, आप थोड़ा सा नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन पेशेंट के साथ बना रहना है दोस्तों। कभी भी आप इजीली देखिए, आपको आपको टारगेट 10 से 15% 20% कभी कभी वन डे में भी मिलता है, वन वीक में भी मिलता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो आपको थोड़ा पेशेंट बना के रखना, ऐसा नहीं कि आज नहीं चला तो ये स्टॉक नहीं चल रहा है तो हम दूसरा स्टॉक देखें, ऐसा नहीं है। उस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखो, आज नहीं चला तो वो दो दिन बाद में भी चलेगा, लेकिन चलेगा क्योंकि इतनी अच्छी रेंज को इसने ब्रेक किया है, तो ये चलना ही चलना है। तो इसके ऊपर भी आपकी ज़रूर नज़र होनी चाहिए। तो 440 का स्टॉप लॉस होगा इसमें इंडियन बैंक में, और ये आपको टारगेट मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। अब चलेंगे फाइनल स्टॉक की ओर, जो कि हमारा है उषा मार्ट मार्टिन लिमिटेड। ये स्टॉक हमने चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया है, तो इस स्टॉक को भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम में देखा। अगर वो वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो उसको भी जाके जरूर देख सकते हो। इसमें देखिए प्रीवियस ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है इसका 340 का, इसके ऊपर सस्टेन हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो इसमें कोई बड़ी मोमेंटम अभी तक हुई नहीं है। तो इसको भी हम लोग एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग कर सकते हैं उषा मार्टिन लिमिटेड को। और इसमें जो हमारी एंट्री प्राइस बनेगी यहाँ पे देखिए, यह भी काफ़ी अच्छा मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। देखिए कहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया है इसने प्रीवियस इस रेन को, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैमर टाइप कैंडल बनी, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है। अब जाके इसमें हम लोग इसका जो करंट क्लोजिंग प्राइस है 350 के ऊपर ये कंटिन्यू अभी होल्ड किया है। अब यहाँ पे हमारी एंट्री प्राइस क्या होगी, यहाँ पे उषा मार्ट में मार्टिन लिमिटेड में हमारी जो फर्स्ट एंट्री प्राइस होगी वो होगी 355। फर्स्ट जो टारगेट होगा 373 का रहेगा, और सेकंड टारगेट 385 का रहेगा, और फाइनल जो टारगेट रहेगा 390 का रहेगा। और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम उषा मार्टिन लिमिटेड में, जो कि निकल के आ रहा है 335 का रहेगा। अब इस स्विंग लो के नीचे का कहीं के आपका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो इस कैंडल के नीचे। तो ये हो गए हमारे स्विंग ट्रेडिंग के तीनों स्टॉक। अगर इन स्टॉक के बारे में कुछ भी और डिटेल से जानना है, कोई भी क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, और आप लोग का सुझाव ज़रूर मुझे भेजें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप लोग का प्यार भरा कमेंट मुझे भेजते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।